नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज का जो ब्लॉग है वो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। सुबह का रूटीन दिखा रही थी और शाम का रूटीन नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि शाम के समय में ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज शाम से ब्लॉगिंग करते हैं। तो मैं बना रही थी आलू की सूखी सूखी सब्जी। और हमारे यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों कि आलू बिल्कुल पतले पतले काट के सब्जी बनाई जाती है, और जगह क्या होता है आलू मोटे मोटे टुकड़े रहते हैं, वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन यहाँ के आलू बिल्कुल पतले पतले, ऊपर से छिलके भी नहीं। छिलके वाले आलू मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे बगैर छिलके वाले नहीं अच्छे लगते। तो वही सब्जी बना रही थी। तो यहाँ पे मसाला जब तक भुन रहा था, मैं आटा गूंथ ले रही हूँ और सब्जी चढ़ी हुई है, क्योंकि शाम का रूटीन है। तो अभी थोड़ा आस्था खेल रही थी, अभी उतनी शाम नहीं हुई थी मैंने, लेकिन खाना पीना बनाना जल्दी स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने आस्था को बुलाया तो देखिए आस्था यहाँ पे पढ़ने बैठ गई है, और मैं अपना खाना पीना आज मतलब थोड़ा टाइम से ही बना लिया था, उतना शाम भी नहीं हो पाया था। और सब्जी बन गई है, अब बस रोटी बनाना है। नीचे रखो दिया, संझा कर दो, उसके बाद दिया रखो। आगे दूध जा रहा हूँ मैं दुकान पे ही लेके। उसके कारण मच्छर आते हैं, यहाँ पे नाली है ना बाहर। हो तो रहा है धुआं। तो शाम के समय से दोस्तों यहाँ पे हो गया सीधे सुबह, और सुबह आपसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह पी लिया है, झाड़ू भी पूरे आंगन में बाहर हर जगह लगा दी है। आज तक की आज छुट्टी है तो वो आज घर पे है, और मैं आ गई हूँ अभी बिस्तर वगैरह सजाने। और मतलब कि हो जाता है ना बिस्तर खराब हो जाते हैं, और इन दिनों ठंड बढ़ गई है तो सारे बिस्तर हमने निकाल के रख लिए हैं। तो वही सारे बिस्तर मैंने सजा दिए हैं, और अब इस कमरे में पूरे ही कमरे में झाड़ू लगा दूंगी तो ये कमरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। फिर इस कमरे की टेंशन ख़त्म, और बाहर बाहर की सफाई करनी रह जाएगी, क्योंकि अभी खाना पीना बनेगा तो खाना पीना जब बन जाता है ना तो भी धूल मिट्टी हो जाती है फिर से, तो वहाँ दो दो बार सफाई करनी होती है। लेकिन कमरे को एक बार क्लीन कर दिया उसके बाद नहीं है ज़रूरत। तो मैं अभी इन पर्दों को सजा तो बेशक रही हूँ, लेकिन आज मैं इन्हें लगवा दूँगी, अभी बल्कि लगवा दूँगी। जब सजा रही थी तभी ध्यान आ गया था कि क्यों ना अभी से लगा ही दिया जाए, और अभी तो सजा के रख दिया है। लेकिन क्या होता है थोड़ी देर बाद कि खाना बनाने में दिक्कत होने लग जाती है, हवा आने लग जाता है खाना बनाते समय, चूल्हे की सारा धुआं मेरे मुँह पर आने लग जाता है। तब जाके मुझे ध्यान आता है कि चलो भाई नहीं, अब इस पर्दे को लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पड़ा है गंदा हो रहा है, तो इससे अच्छा ये लग ही जाए तो सही है। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया ही कि सुबह का टाइम है, तो शाम को देखिए खाना पीना बनाया था, लेकिन चूल्हे की ये पुताई नहीं करी थी। तो अभी सुबह सुबह मैंने सोचा कि पुताई कर दूँ, क्योंकि हो गए हैं लगभग कुछ दिन हो गए मैंने चूल्हे की पुताई नहीं करी थी, तो चूल्हा टूटने सा लग जाता है अगर ना करो तो। तो मैंने यहाँ पे चूल्हे की पुताई कर दी है, और दुकान में चल रहा है काम। चलिए आप सभी को ले चलते हैं दुकान में, आखिर क्या हो रहा है। उठाना पड़ेगा, उठा के कहीं और रख सकता है। ये मस्त हो गया, लेकिन टूटा बहुत मजबूत बनाया था आपने, बहुत मजबूत। सिलौटी टूट जाएगा, फिर भी बचा ही जाएगा। मेहनत मेहनत की बर्बादी, मेहनत करके बनाओ फिर उसे तोड़ो, थोड़ो मट्टी मलीत करो।
आराम से बउआ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी ने ब्लॉग में देखा होगा कि हमने चक्की के लिए ये बनाया था एक पत्थर टाइप का, लेकिन अब जब चक्की नहीं है तो ये पत्थर यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर से फिर आने जाने की जगह भी खराब हो रही थी तो इसलिए इसे हटा दिया गया। अगर वो थोड़ा मजबूत होता तो उसे कहीं किनारे में हम रख देते, अगर उसमें सरिया वगैरह लगे होते, लेकिन सरिया नहीं लगे थे तो आखिरकार उसे तोड़ना ही पड़ा। तो अब देखिए यहाँ पे आस्था के पापा आ गए हैं, मैंने सोचा था ना पर्दा लगाना ही, तो मैंने जैसे ही पानी चढ़ाया पास्ता के लिए धुआं एकदम उधर ही जा रहा था, मेरे मुंह पे जा रहा था, तो मैंने कहा अब इस पर्दे को लगा ही दिया जाए। यहाँ पे मैंने आस्था के पापा से को बुलाया और ये लगा रहे हैं पर्दा। तो आज दोस्तों सुबह सुबह मैं बना रही हूँ सबसे पहले पास्ता, क्योंकि आशा के पापा बोले कि आज थोड़ा कुछ चटपटा बना दो, पास्ता बना दो, तो मैं आ गई उन दुकान से ही, दुकान में हमारे बिकते हैं पास्ता, तो मैं लेके आ गई पास्ता और उबलने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, आपने देखा ही था। और अब यहाँ पे सारा मिक्सचर तैयार कर लिया है, मैं इसकी रेसिपी शेयर आप सभी के साथ नहीं करूँगी। रेसिपी क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्याज लहसुन छौंका, टमाटर थोड़ा सा गला दिया और उसके बाद मतलब टमाटर काट के थोड़ा सा टमाटर फ्राई कर दिया, पास्ता डाल दिया उबला हुआ, मैगी मसाला डाल दिया एक, बस बन गया पास्ता। तो दोस्तों पहले जब कभी मैंने ऐसे पास्ता बनाया था तो एक बार कमेंट आया कि ऐसे पास्ता नहीं बनाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे गांव में पनीर बनाने की भी अलग अलग रेसिपी होती है, लेकिन हम अपने तरीके से जो हमें देसी तरीका आता है हम उसी तरीके से बना के खाते हैं और बहुत ही लजीज टेस्टी बनता है। मुँह में पानी आ रहा है बोलते हुए में भी। तो दोस्तों देखिए यहाँ का गड्ढा भर दिया है और मिट्टी भी ऊपर से डाल दी है, अब थोड़ी सी यहाँ की साफ सफाई हो जाए, है नाश्ता। तो फाइनली दोस्तों ये कमरा अब हो गया है थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा ही क्या पूरा ही खाली हो गया है। पहले यहाँ पे खटोली बिछी रहती थी, हम लोग बैठा करते थे, लेकिन चक्की लग गई थी तो हर जगह धूल मिट्टी हो गया था और बैठने की जगह नहीं थी। तो अब फाइनली ये जगह तो हो गई खाली, अब यहाँ का ये जो गड्ढा था इसको भर दिया था, मिट्टी भर दी थी, इसमें थोड़े से कंकर आ रहे थे तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ पहले, नहीं तो फिर अभी लिपाई करूँगी तो उसमें बीच बीच में आएंगे लिपाई करते में और हाथ में मतलब हाथ में चोट सी लगेगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चूहों ने बिल बना दिया है, तो चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं, पता नहीं क्यों हर जगह एकदम बिल ही बिल बना दिया है और मार नहीं सकते ना, मुझे मारने की तो बात है, एक कमेंट आया था कि आप दवाई ला के रख दो भाग जाएंगे, भागेंगे नहीं मर जाएंगे ये तो नहीं मारना नहीं है, चाहे बेशक बने हैं कोई बात नहीं। आप काफ़ी समय से ही देख रहे होंगे मेरे घर में, जब से दिल्ली से हम लोग आए ना तब से ये चूहों का जो तमाशा है और वो है, लेकिन चलो छोड़ो रहन दो और खुद ही मतलब कभी चले जाते हैं, सर्दियों में नहीं रहते, बरसात के समय से इस समय तक रहते हैं फिर खुद ही चले जाते हैं ये। तो मैं यहाँ पे देखिए किनारे किनारे आ गई हूँ ढिक लगाने, क्योंकि टाल करनी है यहाँ पे, पहले बहुत ज़्यादा आटा आटा फैला रहता था इस कमरे में, चक्की चलने के कारण पूरे कमरे में आटा आटा था, फ्रिज के भी ऊपर बिल्कुल आटा भर जाता था, तो मैं सोची आज इस कमरे की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ और दीवार वगैरह सब से आटा मैंने झरिया दिया झाड़ू लगा लगा के, और अब मैंने यहाँ पर कर दी है टाल।
दुकान वाले कमरे में भी टाल कर दी है, और यहाँ का सामान अब थोड़ा हटा दूंगी, वहां की तरफ रख दूंगी जहाँ पे टाल हो गई है, और उसके बाद दुकान में भी पूरे में टाल कर दूंगी। क्या होता है ना, यहाँ बहुत ज्यादा धूल होता है, लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है, उतना ही ज्यादा धूल होता है। पक्का कमरा है नहीं कि कम धूल मिट्टी होगी, बाहर की तरफ से धूल आता है, अंदर भी कच्चा कमरा पड़ जाता है, इसके कारण धूल बहुत उड़ती है। यहाँ से झाड़ू लगाओ ना, सिर्फ धूल ही धूल निकलेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ हर 2 दिन बाद लिपाई होनी चाहिए, जब जाके धूल दबा रहेगा। तो अब दोस्तों इस कमरे की पूरी लिपाई हो गई है, बाहर की तरफ देखिए गेट की तरफ आ गई हूँ, और कमरे को अच्छा एकदम साफ कर दिया है मैंने देखिए, और बिल्कुल यहाँ पे साफ सुथरा हो गया है। अब इस तरफ का आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सामान है दुकान का थोड़ा सा, वो अंदर रखना है, और यहाँ पे भी पूरी लिपाई हो गई है देखिए। तो दोस्तों ये सभी सामान देखिए दुकान के ही रखे हुए हैं यहाँ पे, इन सभी को अंदर करना है। वो उसमें गेरू है पैकेट में आप फेंक रहे हो, बाहर तो दिया है। हाँ दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने खेत की तरफ, तो रास्ते में देखे कितने ही ज्यादा पक्के पक्के बेर लगे हुए थे, एकदम देखिए लाल लाल सी, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में नमक के साथ, खट्टे खट्टे मीठे मीठे। तो हम दोनों ही थोड़े थोड़े से बेर तोड़ने लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बेर दिख रहे थे ना, एकदम लालच सा आ गया कि चलो तोड़ ही लेते हैं, लेकिन इतने कांटे हैं कि टूटने से ज्यादा तो कांटे लग रहे थे। मुश्किल से 7-8 बेर तोड़े थे यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं हार में, और आस्था उस तरफ से आ रही थी दादी के साथ, मतलब अपनी दादी के साथ नहीं, हमारी जो दूसरी चाची जी हैं उनके साथ वो आ रही थी वहां से, दूसरी रास्ते से, और हम लोग इस रास्ते से आ रहे थे। तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं हार में, आज हम यहाँ पे चने की भाजी तोड़ के ले जाएंगे घर, और शाम को बनाएंगे। शाम को ही तो बनाओगे ना, तो शाम को बनाएंगे, लेकिन हमारा खेत बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाता है, 1/2 घंटा हो गया होगा चलते चलते, अभी हम अपने खेत में नहीं पहुँचे हैं, अब बस पहुँचने वाले हैं। लेकिन अब पहुँच तो गए, तो फिर पी लेना। तो यहाँ पे दोस्तों अब आ गए थे अपने खेत में, तो हम यहाँ से चने की भाजी उखाड़ रहे हैं, उखाड़ नहीं रहे हैं सॉरी, तोड़ रहे हैं, उखाड़ेंगे तो फसल ही खराब होगी, तोड़ रहे थे। तो यहाँ पे चाची जी हैं, जेठानी हैं, मैं हूँ, तो सभी लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, और इन दिनों की धूप भी ज़्यादा नहीं लगती अब, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सर्दी सा मौसम होता जा रहा है ना, तो धूप भी अच्छी लगती है। लेकिन अभी भाजी ना बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी, तो इन्हें ना संभाल संभाल के तोड़ना होता है, वरना पेड़ उखड़ जाएगा तो बर्बादी हो जाएगी। और दोस्तों खेत में बहुत अच्छा लगता है, इधर तो इतनी ज़्यादा हवा चलती है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, फड़फड़ सी आवाज़ आ रही होगी, स्टार्टिंग में आ रही थी जैसे, तो
वैसी ही हवा जाती रहती है और बहुत हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है हार में। बस हम यहाँ से चने की भाजी लेंगे और चलेंगे घर की तरफ। दोस्तों आप जाने लगे हैं घर, तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। चाची ने तो यहाँ पे दोस्तों आ गए थे थोड़ा सा चाची जी के घर। ये चाची जी का घर है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी कलर हो रखा है। तो आपको कभी और दिखाऊंगी इनका घर।